नमस्कार दोस्तों, तनमनधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लून नमक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस नमक को अभी न्यू लॉन्च किया गया है। वैसे तो मार्केट में नमक में बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, लेकिन इस नमक में कुछ खास बात है जो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें 39 के करीब सी सॉल्ट को लिया गया था। जब लेब टेस्ट किया गया तो 36 में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। दोस्तों, आजकल की डेट में जितना भी नमक बनाया जाता है वो मोस्टली सब समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है, और आजकल समुद्र में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से समुद्री नमक की प्योरिटी में इम्पैक्ट पड़ा है, और लैब रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। आज दुनिया भर के ओशंस में प्लास्टिक का कचरा बहुत बढ़ गया है, और एक टाइम के बाद वो प्लास्टिक इतना बारीक हो जाता है कि वो हमारे नमक में मिक्स हो जाता है। हम एक साल में जितना सी सॉल्ट खाते हैं उसमें लगभग 800 माइक्रोप्लास्टिक भी हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, और जब ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो इसके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो तो आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इस सी सॉल्ट की बात, लेकिन अब बात करते हैं आज के प्रोडक्ट की, जो है ये लून ब्रांड का डेजर्ट सॉल्ट। दोस्तों, इस नमक को भारत के थार रेगिस्तान एरिया में बनाया गया है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई फार्मिंग नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके कारण वो एरिया 100 से 150 साल पहले जैसे थे वैसे ही कंडीशन आज उनकी है। दोस्तों, इस नमक को राजस्थान के रेतीले इलाकों में बनाया गया है, और राजस्थान में नमक को लून कहा जाता है, इसलिए इसका जो ब्रांड नेम है वो लून ही है। और जब रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों बारिश होती है तो वो पानी ज़मीन में चला जाता है और उस पानी में नमक मिक्स हो जाता है। अब इस नमक को बनाने की प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुओं के द्वारा उस पानी को जो खारा हो चुका है उसको ज़मीन पे लाया जाता है, और ज़मीन पर उसको फैलाया जाता है। और आप सभी को पता ही है कि रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री के आसपास रहता है, जिससे कि वो पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है, और पीछे जो बचता है वो होता है रेगिस्तानी नमक। इस नमक को बनाने में किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, कोई केमिकल प्रोसेस इसको बनाने में नहीं यूज की गई है, ये हाथों से बनाया गया नमक होता है। और इस नमक को बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हैं, जिस जो कि किसी भी नमक की बेहतरीन क्वालिटी के कारण ही दिए जाते हैं। इसे वेगन सर्टिफिकेट भी मिला है। ये प्योर वेज सॉल्ट है। अगर हम समुद्री नमक से अगर इसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो समुद्री नमक को बनाने में जब उसे बनाया जाता है, एक तो केमिकल्स बहुत सारे इसमें यूज होते हैं, इसके अलावा समुद्र के नमक में बहुत सारे जीव जंतु मरे पड़े होते हैं, प्लास्टिक का कचरा भी होता है, तो उस नज़र से देखें तो ये रेगिस्तानी इलाकों में बनाया गया नमक बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, इस नमक से खाने का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में ही कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल भी आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस पैक के बैक साइड भी अगर देखें तो इस नमक की और भी दूसरी खासियतों के बारे में डिटेल से बताया गया है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि रिच इन नेचुरल मिनरल्स, इसके अलावा फ्री फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक, इसके अलावा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट भी है, और इसी के साथ इसमें कोई भी एंटी केकिंग एजेंट का यूज नहीं किया गया है। एंटी केकिंग एजेंट बोन्स को सॉफ्ट बना देते हैं, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, और इसका इफ़ेक्ट किडनी को भी बहुत होता है, किडनी फेल हो सकती है, तो कोई भी केमिकल इसे बनाने में यूज नहीं किया गया है, यही इसका प्लस पॉइंट है। दोस्तों, इस नमक का नेट वेट है 1 kg, MRP है 75 rupees। मैंने तो इसे जियो मार्ट में ख़रीदा था, अगर आप देख लेना, ट्राई कर लेना, अगर आपको मिले तो वहाँ पे आप ये 35 rupees यानी हाफ रेट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर भी पीछे दिए गए हैं, अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इस नमक के बारे में। बहुत ही अच्छा नमक है, सेहत की नज़र से देखें तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं
तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।